नंबर अनिकेत थ्रू यहां से पढ़ेंगे। 14 से प्रवीत हो गया। अच्छा 14 से, हाँ 13 तक हो गया था 14 से। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से पुरंजन का इंद्रिय का तृप्ति का क्या क्या सहारा बन रहा है। तो प्रभुपाद बहुत सारा डिस्क्रिप्शन किए हैं कि किस प्रकार ये इंद्रिय तृप्ति कभी खत्म नहीं होगा और इंद्रिय की वासना कभी खत्म नहीं होगा जब तक इसको हम भगवान के संपर्क में नहीं लाएंगे, भगवान की सेवा में नहीं लाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अंतःपुरः स्त्रिया पृच्छत विमनः एव वेदिषत अपि वह कुशलम रामा स ईश्वरणीम यथा पुरा। रागिणी प्रिया माता जी पढ़िए। उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ। उसने रनी वास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले से समान प्रसन्न तो हो? हरे कृष्ण, तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य, तात्पर्य पढ़िए। हाँ इस श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन वैश्वत का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है, तो वह अपने मानसिक कार्यों से सलाह लेता है, अर्थात सोचता है, अनुभव करता है तथा चाहता है, और यह निश्चय करता है कि वे भौतिक कार्यों में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जब कोई भगवान श्री विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्यों में लगता है, तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचार में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन की इन प्रवृत्तियों, सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई श्री भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का चिंतन करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता कहलाती है। यद्यपि राजा विश्रांति प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था, सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 2.91 में की गई है। विषया विनिवर्तन ते निरार्यस ते ही ना रस व्रजम रसो अप्यस परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषय आसक्ति बनी रहती है, किंतु उच्च रस के अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर ये चेतना बुद्धि योग में स्थिर हो जाती है। जब तक मनुष्य अपने आप को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में ना लगा ले, वह इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हो सकता। परम दृष्टता निवर्तते, कोई तभी भौतिक कार्यों को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। हरे कृष्ण। विदेशियों ने, जो प्रभुपाद विदेश गए थे, तो विदेशियों भी इस प्रकार भोग वासना में लिप्त थे, परंतु प्रभुपाद ने उनको कृपा वर्षा कृपा की और उनको उनका चेतना को वृद्धि कराया। कैसे वृद्धि कराया? उनका मन को, उनका इंद्रियों को और उनका परिवेश जो था उसको बदलाया। और देखें, हम धीरे 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 रसो वर्जम रसो पस्य, उनका जीवन में भगवान को महसूस वो लोग किए। देखिए, आज दो प्रकार के रस है, एक है उच्चतम रस, एक है निम्नतम रस। निम्नतम रस में व्यक्ति इंद्रियों की वासना के भोग में लिप्त रहता है, उच्चतम रस में व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक रस में डूबे रहता है। इसीलिए विचार करिए, जब सड़ गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि, जब चैतन्य महाप्रभु इनको वृंदावन भेजे, तो ये वृंदावन में जाके करे क्या? हाँ? हे राधे, ब्रज ललिते विशाखे, हर ब्रज का हर एक तट में, केसी घाट, बंसीवट, हर जगह में ये हर समय में राधा रानी और कृष्ण को ढूंढ रहे थे। ये रस है जीवन का। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? कहाँ मुझे, हाँ क्षमा कर, ये बात प्रभुपाद ने लिखा है तो मैं एक्चुअली इसमें लिप्त नहीं हूँ, परंतु
ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो लोग भोग वासना में लिप्त हैं, जो लोग इंद्रिय वासना में लिप्त हैं, वो क्या ढूंढते हैं, कहाँ पैसा है, कहाँ अतिरिक्त इंद्रिय भोग की वासनाएं हैं। परंतु वहां पे हम देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भक्त बन जाता है और अच्छा से भक्ति करता है, वो जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण जुड़े, जिसको देखता है उसको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है, और यदि वो भक्त नहीं है तो उसको भक्त बनाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए रसो वर्ज रसो पश्य रस रसो वर्जन रसो पश्य परम दृष्टा निवर्तते। कोई व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति में रम जाएगा, उसको हर एक वस्तु भगवान के संपर्क में ही दिखने लगेगा। ऊपर प्रभु न तथा रोचन्ते गृह से गृह संपद, यदि न स्याद गृहे माता पत्नी वा पति देवता, व्यंग्य रथ इव प्राज्ञ नामासी तदीनवत। प्रमदानंद कृष्ण प्रभु जी अनुवाद पढ़ें। राजा पुरंदर ने कहा, मेरे समय में नहीं आ रहा कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं सोचता हूँ, यदि घर में माता अथवा पत्नी प्राण पत्री ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन लोग है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। हाँ, परीक्षा हो एक्चुअली घर के लक्ष्मी स्त्री को ही बोला जाता है, और जहाँ पे आपको धर्म पत्नी असंतुष्ट दिख रही है और जहाँ पे घर की स्त्री ही दुखी है, इसीलिए प्रभुपाद हम पिछले तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि पूरा समाज में 5 लोगों को वृद्धि होने से, 5 लोग की सुरक्षा होने से पूरा समाज विकसित होता है। कौन कौन? एक है स्त्री, बच्चे, वृद्ध और गाय और ब्राह्मण। तो ये वर्णाश्रम धर्म का नियम है। आगे पढ़ते हैं, प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। परम राजनीतिक चाणक्य के पंडित ने कहा, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रिया वांदनी अरम्य अरण्यम येन गंतव्य यथा रण्यम कथा तथा गृहम। यदि किसी के घर पर अपनी माता या प्रिय वांदनी पत्नी ना हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक माता भगवत भक्ति है। असली पत्नी वह है जो भक्ति के कार्यों में अपने पति की सहायता करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है। वास्तव में स्त्री की पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रिय वांदनी मंदिनी पत्नी दोनों प्राप्त है थी, और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संतान पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी की अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो तो जब तक नितांत आवश्यक ना हो तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु कितना जी। कितना अद्भुत। देखिए जहाँ पे बातें हो रही है कि जहाँ पे अच्छी माता और अच्छी पत्नी हो, दोनों के समन्वय से भक्ति और अच्छे से आगे बढ़ सकता है, उस व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं, अरे घर बार छोड़ के बाहर चले जाएं, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। अभी हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। परंतु उसका कारण एक ही होना चाहिए कि आपके धर्म पत्नी और आपके जो माँ हैं, ये दोनों ही भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। अरे तो उत्सुक नहीं भी हैं, देखो आज कलयुग में कहीं पे भी जाएं तो कली का तो ढेर सारा इंतजाम है आपको फंसाने के लिए। तो एटलीस्ट ये हमको समझना चाहिए कि हम घर में इन दोनों को अच्छे से रेस्पेक्ट करें, अच्छे से इन दोनों को भक्ति मार्ग में लगाएं और उनकी कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। नीचे करिए, को वर्तते सा ललना मजंतम व्यसन अर्णवे यामम उदरते प्रज्ञम
दीपयंती पदे पदे। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उभारती है। वह मुझे पग पग पर सद बुद्धि प्रदान करके बचाती है। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य अच्छी पत्नी तथा अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस भौतिक अस्तित्व में पग पग पर संकट होता है। श्रीमद्भागवतम 10.14.58 में कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पग पग पर संकट है। भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली घर है, जहाँ न चिंता है और न संकट। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ये भजे से बड़ चतुर। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान चतुर नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे संसार में हमेशा मिलने वाली संकटमय परिस्थितियों से बचाती रहती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है। कहने का तात्पर्य है, जिस स्त्री का स्वीकार धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार किया जाता है वह धर्म पत्नी कहलाती है। जिसे सूचित होता है कि उसे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ग्रहण किया गया है, धर्म पत्नी से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुष से मिलने जुलने दिया जाता है तो उसका पतिव्रता रह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। सामान्यतः वह पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वह पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान। किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए जो धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है, तो वह जीवन की संकटमय परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित घर बन जाता है। हरे कृष्ण को भी धन्यवाद। यहाँ पे दो बातें बताई जा रही है, एक तो है पतिव्रता पत्नी की बातें और एक है अविवाहित पत्नी की बातें। जैसे शास्त्र में बताया गया है, मात्रा स्वास्त्रा दुहित्रा वा न अभिविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। कि जब माँ बहन छोटे थे तो अलग बात है, जब धीरे धीरे बड़े हुए तो एक आसन में बैठना भी मना किया जाता है। क्यों? बड़े बड़े विद्वान लोग भी ये इंद्रिय के प्रभाव में आके गलत काम करते हैं, तो इसलिए कभी इसको स्वीकृति नहीं दिया जाता कि कोई अविवाहित पत्नी से संपर्क रख के यदि बच्चा पैदा करता है तो उनको उसके पिताजी के संपत्ति में अधिकार है। बल्कि यदि कोई विवाहित पत्नी के यदि कोई सच में साध्वी पत्नी को प्राप्त करें जो कि भगवान भक्ति में उसको मदद करें। हम देखते हैं भगवान राम जी और मैया सीता, उनकी जोड़ी सबसे बेस्ट है। सीता को ऐसा बताया नहीं, माँ सीता को ऐसा बताया नहीं गया था कि तुमको वनवास जाना है, परंतु कितना सरल और कितना साध्वी है। द्रौपदी का कहानी हमने देखा, द्रौपदी को 5 पांडवों ने बेच दिया। बेचने के बाद भी द्रौपदी ये नहीं बोले कि आप हमारे स्वामी नहीं है। ये होता है लाइफ, जहाँ पे पत्नी पति के साथ रहेगा। मैं तो जब भी किसी को बताता हूँ ये पॉइंट तो जरूर बताता हूँ कि देखिए कलयुग में जिसका जन्म हुआ है ये बड़ा फिल्टर जीव है। सत्ययुग में जिसको फिल्टर किया गया वो त्रेतया में आया, त्रेतया के बाद फिर द्वापर को आया, द्वापर के बाद फिर और कुछ नहीं बचा तो कली को आ गया। अभी कलयुग में जो लोग विवाहित हैं, गृहस्थ लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा परीक्षा है। वो परीक्षा क्या है? पति पत्नी का जो संपर्क है उसको एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही बिलीव करना पड़ेगा। मार्केट की तरह चलेगा नहीं कि सब्जी दुकान में आप बोलोगे बैगन कितना रुपया, बोलेगे 50 रुपया,
नहीं, 50 नहीं, ये 30 रुपया होगा। ऐसी बात से नहीं चलेगा, ट्रस्ट एक दूसरे को करना पड़ेगा। यदि ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आने वाला समय में बहुत पति पत्नी का जीवन में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आज के प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखे हैं कि पहले यदि पत्नी, यदि जो लड़की है, यदि वो शादी भी होती तो बहुत सुंदर तरीका से विवाहित जीवन वो जी सकता है, परंतु आज दोनों ही असाधु है। ये असाधु है और वो असाधु है। आज कॉलेज लाइफ में हम देख रहे हैं, आज स्कूल लाइफ में हम देख रहे हैं, कितने मतलब मिक्सिंग हो रहा है सब कुछ। इतना मिक्सिंग होने के बाद मैं तो अभी सोचता हूँ कि मुझे 5 साल से क्यों कृष्ण भक्ति नहीं मिला। आज मुझे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है उसके बारे में पता नहीं, आज कुछ दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं। आप विचार करिए यदि हमको आज, इसीलिए जिनका बच्चे है ना उनको भगवान की भक्ति को और अच्छी तरीके से देना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखे हैं यदि बच्चे को भक्ति देंगे तो आने वाला सोसाइटी इनके द्वारा ही संरक्षण में रहेगा। तो जो भी हो, कहने की तात्पर्य यही है कि बीता हुआ जीवन की जो शोक है वो दूर हो जाएगा कब, जब हम भगवान की भक्ति में जुड़े रहेंगे। श्रीमद स्मिता राधिका माता जी, अच्छा था, अब मैं पढ़ लेता हूँ। रामा उच्चुः नरनाथ नरनाथ न जानी महत प्रिया यत विवस्यति भूतले निरवस्तारे सायनम पश्य शत्रुहन। स्मिता राधिका माता जी, हरे कृष्ण। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानते कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखे, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही है। सुनो माता जी, तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपने पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को अपने इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं। निर्बाध विषयी जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं। का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में पत्नी को अपनी पत्नी की पति की प्यारी और सुरक्षिता होनी चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देखरेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में नर मादा साथ साथ रहते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। प्रभुपाद जी के एक बहुत अच्छे शिष्य है मुकुंद प्रभु, उनका नाम था माइक। तो वो जो प्रभुपाद जी से मिले तो उनके गर्लफ्रेंड था, तो गर्लफ्रेंड और ये दोनों मिलके मिलते थे प्रभुपाद से, सेवा करते थे प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी बोले आप दोनों ऐसे ऐसे अनमेरिड हैं,
ऐसे साथ में रहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम करो, आपको हम शादी करवा देते हैं। तो प्रभुपाद ने खुद उनका शादी किया। और आपको पता है, जब प्रभुपाद जी पहली बार लंदन कोई तीन इनको भेजे, तीन दंपतियों को, उनमें से ये एक थे, मुकुंदर जानकी। तो क्या नहीं हो सकता जो पति पत्नी के रिलेशन अच्छा हो। हाँ, इसीलिए पत्नी को पति का अर्धांगिनी माना जाता है। हम हमारे घर में हमारे पिता माता को देखे हैं, हमारे दादाजी को और दादी जी को देखे हैं, कि रिलेशन ऐसा होता था कि मैं मेरा दादा और दादी जी को देखा हूँ। एक बार शादी हो जाती थी तो वो घर, मतलब गांव के तीन चार गांव के पास ही रहता था घर, परंतु घर नहीं जाएंगे। कुछ झगड़ा होगा ना, वो सेवा तो करना ही है। अभी तो खैर मसाज वगैरह कोई नहीं करते होंगे कि नहीं करते, मुझे पता नहीं, परंतु उस समय में क्या होता था, रात में तो प्रभु जी लोग को, माता जी लोग मसाज करने जाते थे। ये कंपलसरी है, सुबह प्रणाम करना और शाम को मसाज करने जाना। तो मान लीजिए आज दोपहर में कोई झगड़ा हुआ, तो शाम को तो मसाज करने जाना ही है, तो उसी में काम खत्म हो जाता था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखिए, जब पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, तो बच्चों के जीवन भी क्या होगा, बच्चे भी वही सीखेंगे, आगे जाके वही उनके जीवन में होगा जो आपका जीवन में भी हो रहा है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में जिनका अनुभव है कि पति पत्नी का रिलेशन को कैसा रखना चाहिए, तो उनको दूसरों को मार्गदर्शन देना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन को कैसा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्धांगिनी। यदि एक पति का हाथ पैर से नहीं होने से काम नहीं चल सकता, उस प्रकार कोई गृहस्थ जीवन में स्त्री का बिना काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए उनकी सम्मान, प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं ये चीज को, क्योंकि हमारे मूवमेंट में जो पहली बार मूवमेंट स्टार्ट हुआ था प्रभुपाद जी के द्वारा, स्त्रियां ने ही इतनी बड़ी बड़ी काम कर दी जो असंभव है, जो किसी पुरुष के द्वारा संभव ही नहीं हो पाया, वो सारी चीज माता लोग ने कर दी। अभी कृष्ण किशोर प्रभु ने कुछ दिन पहले आह्लादिनी माता जी का केस बताए थे, सभी माता लोग ने अटेंड किया था। कितना प्रेरणादायक है, कितना अद्भुत है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कोई स्त्री इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा प्रचार कर सकता है। अरे भीजा, और हम सोचे थे कि पुरुष ही जाके प्रचार कर सकता है, परंतु माता लोग भी इतने प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रभु नारद उवाच। नारद उवाच पुरंजनः स्वमहर महिषीं निरक्ष्य अवधातुं भुवि तत्संग उस उन्मथित ज्ञानः वैकल्प्यं परमं योहि। स्वर्ण माता जी पढ़िए। अनुवाद पढ़े सुनो माता जी। भूमिका कटारिया माता जी अनुवाद पढ़िए। आपका इको हो रहा है आवाज, जो प्रभु पास में बैठे है ना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ने कहा, हे राजा प्राचीन भई जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को और दूध की भांति पृथ्वी पर लौट लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। जयप्रभु पढ़िए, सोनम माता जी पढ़िए, तत्पर पढ़िए। श्लोक अवधूतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी था। दूसरे शब्द में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल जाकर पशुवध में व्यस्त रहा है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे विलग हो जाता है, तो वह पूरा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त हो जाता है और पाप कर्मों में लग जाता है। जब इसका एहसास होता है तो मनुष्य पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। ये पश्चाताप बहुत सुंदर है। हरि हरि विफले जन मागुआइनो,
मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया दिस खाइनो। वो ये कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पाने का पश्चाताप है। कृष्ण भक्त ना बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। सारांश ये है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या यह कहें कि जब वो अपने बुद्धि को खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो यहीं पे हम आज विराम देते हैं। एक्चुअली इसका तात्पर्य को यदि हम देखें तो ये कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा रहेगा तो उसका बुद्धि भगवान स्वयं देंगे। ये श्लोक भगवान कौन से में बताते हैं, भगवद गीता में? हाँ, तेषां सततयुक्ता नाम भजतां प्रति तेषां ददामि। सतत युक्ता नाम भजतां प्रतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि जुगम तम ये नम उपयंती थे। बहुत सुंदर है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कोई भी एक वैष्णव का आश्रय में रहिए और कभी दिक्कत हो उनके साथ शेयर करिए और देखोगे भगवान स्वयं आपको बुद्धि देंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग ब्रह्मचर्य रहे हैं उनका जीवन में दुख नहीं है, परंतु आश्रय नहीं होने के कारण व्यक्ति दुख में रहता है। आज भौतिक दुख तो सागर के समान है, समंदर के समान है। नाव होना चाहिए कोई व्यक्ति, ताकि हमको उस बुद्धि जो आज कृष्ण हमको देने वाले हैं, वो कृष्ण डायरेक्ट आके नहीं देंगे, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से देंगे। यदि हम उनके प्रतिनिधि के साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे, यदि उनके प्रतिनिधि का आश्रय में रहेंगे, तो हमको एक अच्छा बुद्धि मिलेगा, जिस कारण से हम इस भौतिक भवबंधन को पर तर सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु यस प्रभु। जैसे कि इसमें इस पूरे इसमें पुरंजन के उसमें उपमा दी गई है ना, कि जैसे वो शिकार करने जाता है, तो इसका मतलब वो है कि वो पत्नी के एक इंद्रिय से उसका अतृप्त हो गया है, मतलब तो वो अपना ध्यान वो करने के लिए शिकार करने जाता है। अब शिकार करते करते भी वो थक जाता है, मतलब उस इंद्रिय से भी वो उसका मतलब वो हो जाता है, वो बोर हो जाता है, तो फिर वो वापस वापस अपनी वाइफ अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर यहाँ पत्नी यहाँ लेटी हुई है ये बताया वो, तो ये उपमा के हिसाब से कैसे, मतलब उस हिसाब से यदि देखे हम वो मतलब। एक्चुअली बारंबार बारंबार यही कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति इंद्रिय एक एक नहीं है, इंद्रिय पांच है। तो एक इंद्रिय एक दिशा को, आपने एक पिक्चर फोटो देखा होगा, एक इंद्रिय एक दिशा को खींच रहा है और एक इंद्रिय और एक दिशा को खींच रहा है और एक इंद्रिय और एक दिशा को खींच रहा है, तो सब लोग मिल के इस व्यक्ति को खींच रहे हैं। तो अभी तो पुरंजन स्त्री से ही विमुख हो गया था कि अरे बहुत हो गया, अभी उन्होंने मतलब एक प्रकार जिह्वा का, प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखे हैं, जिह्वा और उदर और उपस्थ ये एक लाइन में है। यदि जिह्वा का बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो उदर उपस्थ और तेज बाण हो जाएंगे, आपको और विचलित करेंगे। तो अभी देखिए वही सेम हो रहा है, जब ये जंगल को जाते हैं और वहां पे तृप्त नहीं होते, फिर से वही उपस्थ तक आते हैं, फिर से स्त्री के पास आते हैं, स्त्री को देखते हैं। अभी आने वाला समय में आप देखोगे उनकी स्त्री उनके प्रति कितने नाराज होते हैं। तो ये सारी चीज अभी धीरे धीरे स्टार्ट होता है कि हम एक इंद्रिय से तृप्त नहीं हुए तो अलग इंद्रिय को गए हैं, अभी वो इंद्रिय से तृप्त नहीं होंगे तो फिर से वही इंद्रिय को आएंगे जहाँ पे हम तृप्त नहीं हुए, तो वो इंद्रिय फिर हमको लात मार देगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गधा, एक गधी, जैसे गधा दौड़ के आता है गधी को भोग करने के लिए और गधी लात मार के भगा देता है। जैसे कि हाथी को पकड़ा जाने के लिए हाथीनी को आगे दौड़ा जाता है और हाथीनी एक गड्ढा के पहले कट जाता है और हाथी उस गड्ढा में गिर जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल, जैसे एक कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो लाइट को देख के आग को देख के लगते हैं अरे ये तो बहुत सुंदर चीज है, उसको खाना चाहूंगा मैं, खाने जाते हैं तो उसी में ही पड़ के मर जाते हैं। तो इस प्रकार और कस्तूरी मृग, वो मृग इसका नाभि से इतना सुंदर सुगंध निकलता है, वो सुगंध को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर घूमता है, वो मिलता नहीं, प्यास लगता है उसको, इतना जोर से प्यास लगता है कि वो प्यास बुझाने के लिए पानी पीना चाहिए, परंतु मृग कस्तरी का सुगंध को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। अभी कस्तरी का सुगंध तो उसका नाभि में है और दौड़ दौड़ के वो प्यास इतना मतलब प्यास से ही रहता है, मर जाता है। तो ये सारा इंद्रिय की
हाँ डिजाइन है, भगवान ने इसको बोला है कि यदि व्यक्ति परम रस को प्राप्त नहीं करेगा तो वो व्यक्ति फिर इंद्रिय रस, इंद्रिय भोग के में लिप्त रहेगा, और वो व्यक्ति को इंद्रिय भोग में जब लिप्त रहेगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए आश्रय में रह के भक्ति करना चाहिए और भगवान की कृपा के लिए मांगना चाहिए, भगवान आप मुझे कृपा करिए ताकि मैं आपके भक्ति में आगे बढ़ सकूं, और ह्यूमिलिटी उत्साह बना के रखना चाहिए, उत्साह खोना नहीं चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु इसमें भी पुरंजन के बारे में चल रहा है और नारद मुनि बता रहे हैं और प्राचीन वर्ष के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी बीच में रामा ऊचू आया था तो वो किसकी आया था? रामा ऊचू शब्द का अर्थ है स्त्रियों ने कहा। आप देखिए रावण, जब हनुमान भगवान ऐसे जो मैया सीता को ढूंढने गए थे तो उन्होंने अनेक स्त्रियों को रावण के महल में सोते हुए देखा, तो अभी उनको ये डाउट तो था कि कौन है। अभी अभी ये भी सेम केस हो रहा है, जब पुरंजन उनकी स्त्री को ढूंढ रहे हैं कहाँ मेरी पत्नी है, तो उनकी स्त्रियों के पहले उन्होंने अनेक स्त्रियों को देखा, उनकी दास दासी को देखा, तो उनकी दास दासियां वो अनेक स्त्रियां संबोधित करती है, इसलिए रामा शब्द का अर्थ है स्त्रियां, राम नहीं, यहाँ पे रामा उच्च मतलब स्त्री आने। थैंक यू हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रीवियस क्लास में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अत्याहार प्रयास, तो प्रभु जी ये तो हम सुन रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमको तो बहुत ज्यादा मतलब खाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं, जानकारी है तो इसको हम कैसे ठीक करें, बार बार हम तो फेल ही हो रहे हैं। हरे कृष्णा। देखो नरोत्तम दास ठाकुर का पोजीशन आप विचार करिए, नरोत्तम दास ठाकुर महाजन है, उनको इस प्रकार लिखने का क्या है, हरि हरि विफले जनम अगुआइन, उनका जीवन विफल थोड़ी है, परंतु वो क्यों लिख रहे हैं इस प्रकार, क्योंकि वो दुनिया के लिए लिख रहे हैं। मुझे पता है आप ऐसे नहीं है, परंतु आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हमको भी समझ में आए कि प्रभु जा जितने लोग एक क्लास में है। एक्चुअली मैं जब NDTP यहाँ पे न्यू डिवोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब मैं न्यू डिवोटी में था तो प्रेम भक्ति प्रभु मंदिर के प्रेसिडेंट हमको क्लास दे रहे थे, तो क्लास के समय में अत्याहार प्रयास प्रज्वल्य नियमाग्रह जन संगम सलोलम च षड्विधिर् भक्तिर् विनश्यति, ये श्लोक लिया था, और उन्होंने बोला कि अत्याहार क्या होता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अत्याहार क्या होता है, जैसे हमको 3 टाइम भोजन लेना रहता है, 3 टाइम के अलावा हमको और कुछ खाने की इच्छा हो, जैसे आपको कोई मुझे बोले कि आपको कोई संदेश दे दें, आपको कोई समोसा दे दें, आपको कोई कुछ एप्पल दे दें, आप तुरंत मत खाओ, उसको खाने के समय तक रखो, खाने के समय में खाओ, उसमें आपके अत्याहार कंट्रोल हो जाएगा। और देखो अत्याहार कंट्रोल होगा ना तो फिर उदर उपस्थ का समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। आज भौतिक जीवन हमको इसीलिए मिला है कि हम कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, और ये इसीलिए होता है कि हमारा अत्याहार करने की टेंडेंसी है। तो उससे बचने के लिए तरीका है कि कृष्ण भोजन लीजिए, दबा के पूरा प्रसाद लीजिए, आकंठ करिया कर प्रसाद भोजन, प्रसाद में अच्छा तो ये नहीं करना चाहिए, परंतु यस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 10 बजे प्रसाद लिए और 11 बजे भी प्रभु जी ने दिया तो 11 बजे भी प्रसाद ले लिए, 12 बजे भी कोई दे दे तो 12 बजे प्रसाद ले लिए, ऐसा ना करके यदि आप खाते समय 3 टाइम का शेड्यूल बना के रखेंगे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोवधेयस्य योगो भवति दुखा, कि दुख से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को युक्त रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच थैंक यू प्रभु वेरी मच श्रील प्रभुपाद की जी। जय। जैसे